राज्यस्तरीय सम्मानीय अतिथिगण और आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहले मैं आपको कॉम्प्रेट मैराथन के बारे में बता दूं कि कॉम्प्रेट मैराथन जो है ये साउथ अफ्रीका में होती है और वर्ल्ड की सबसे कठिन और सबसे पुरानी अल्ट्रा मैराथन है। इसके अंदर एक साल डरबन से पिलरमेट्स वर्ग दौड़ना रहता है जो कि अप्रैल होती है। इस साल अप्रैल थी। इसमें आपको 86.7 किलोमीटर 12 घंटे में करना रहता है और इसमें जो कि अप्रैल थी इसके अंदर आपको 12 घंटे में 87 किलोमीटर करना था और शुरू के 36 किलोमीटर जो थे वो आप कालामंडल की पहाड़ी आपने देखी होगी, इसकी 30 गुनी चढ़ाई कर चढ़नी थी आपको। मतलब आप जब शुरू करेंगे तो जब 36वें किलोमीटर पर पहुँचेंगे तो आप कालामंडल की 30 गुनी हाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपको फिर डाउनहिल मिलेगी। 79 किलोमीटर पर फिर 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। तो ये वर्ल्ड की इसलिए सबसे टफ मैराथन मानी जाती है। तो बहुत सारे रूल्स हैं, कट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, 6 कट ऑफ पॉइंट्स। अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो आपको बीच में ही बस में बिठा दिया जाएगा, मतलब आप पूरी नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत कठिन मैराथन है। और अगले साल जो है वो डाउनहिल है, मतलब पीटरमिट्सबर्ग से डरबन तक के लिए। तो हमारे बीच में जो आशुतोष व्यास हैं इन्होंने लास्ट ईयर डाउनहिल करी थी और इस साल अपील करी थी। ये दोनों करने पर इनको दो मतलब 3 मेडल मिलते हैं। तो ये इनके लिए बड़ी गर्व की बात है। अगले साल मैं कोशिश करूँगा डाउनहिल की। आशु ने इस बार दोनों करी है तो इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और अभी एक चीज़ और मैं बता दूँ आपके लिए कि आशुतोष व्यास अभी अगले महीने में 1200 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए जाने वाले हैं पेरिस में और वो 90 घंटे में इनको 1200 किलोमीटर चलाना रहेगी। 1000 किलोमीटर यहाँ से चला चुके हैं, 1000 किलोमीटर इन्होंने 70 घंटे में चला चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदौर के लिए और ये अभी जाकर फिफ्थ रेट का पहनाने वाले हैं पेरिस के अंदर। थैंक यू। 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग वो भी पेरिस में और वो भी इंडिया का बंदा अगर परचम लहराएगा तो कैसा लगेगा कि वो अपना 1200 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर करे और जो पेरिस में झंडा गाड़ने जाने वाले हैं उसका भी एक्सपीरियंस बताए या उसके बारे में बताए। सर आपने बाइक करा हो उसके लिए सभी को कोई भी टारगेट हो कितना भी बड़ा टारगेट हो अगर आपका डेडिकेशन है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग है रेगुलरिटी है तो कुछ भी कमी नहीं है। और मैं मानता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं काफ़ी लकी हैं कि आपको जैसवाल जैसे कोच मिले हैं। मेरी मान को इससे तो कोच कोई हो सकता है तो आपके लिए कोई टारगेट कठिन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास कोच मतलब वर्ल्ड लेवल का कोच है। तो आपका कोई भी टारगेट होगा सर इजीली कर सकते हैं। बस आपको एक कंडीशन आपको रखनी है और वो है रेगुलरिटी। अगर आप सुबह किसी भी बहाना ना करें अगर सुबह उठकर आप ग्राउंड पे एक बार आ गए उसके बाद आप अपने आप को कोच को सौंप दीजिए वो जो है आपको आपके सारे टारगेट सारे ड्रीम्स सब अचीव करवा देगा। तो यही चीज़ मैंने फॉलो करी रेगुलरिटी। कभी छुट्टी नहीं मारता था, आज भी मुझे मतलब 80 किलोमीटर साइकिल चलानी थी तो सुबह जल्दी उठकर क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम अटेंड करना है। तो रेगुलरिटी अगर आप आपकी लाइफ में रखेंगे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यही इसका मूल मंत्र है रेगुलर रहें और फिर जयसवाल सर हैं बाकी इन पर छोड़ दीजिए तो आपका कोई भी ड्रीम्स है वो इजीली अचीव हो जाएगा। बस यही मैं फॉलो करता हूँ उसी को आप फॉलो करिए। पेरिस में जो है 1200 किलोमीटर की हिल साइकिलिंग है उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साइकिलिंग की। काफ़ी वहाँ पर पूरा हिल जाना 1200 किलोमीटर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना रहता है और काफ़ी कम इंडियन मंदिर तक वहाँ पर गए हैं सक्सेसफुल उसको कम्प्लीट करा है। एमपी से मैं फर्स्ट हो सकता हूँ बढ़िया जो उसको कम्प्लीट करेगा जाके। तो आप सबकी विशेष चाहिए उसके लिए कि वो मैं जाऊँ उसको कम्प्लीट करके आऊँगा।